हेलो दोस्तों, नई किसान में आपका स्वागत है और आज आपके लिए गर्मा गर्म वीडियो लेकर आ चुका हूँ। सबसे पहले आप सबसे मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा, आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है और सबके मुझे ईमेल आ रहे थे भाई आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, और बहुत से लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर रहे थे भाई आप वीडियो लेके क्यों नहीं आ रहे हैं। भाई कुछ ऐसे पर्सनल रीज़न थे जो मैं आपको बता नहीं सकता, जिस वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब दोस्तों ये वीडियो आपको जब भी मिल जाएगी उसके अगले दिन से मैं आपको डेली वीडियो देना शुरू करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है और बहुत अच्छा मैं टॉपिक लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं जियो के बारे में। जैसे कि बहुत से लोग कह रहे हैं मेरा डेटा बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई मेरी स्पीड आती नहीं है और डेटा बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको 3-4 वजह इसकी वजह बताऊँगा आपका डेटा क्यों जल्दी जल्दी कंज्यूम हो रहा है। हो सकता है उसमें से एक वजह आपकी हो, या तो ऐसा भी हो सकता है जियो बहुत जल्दी जल्दी डेटा यहाँ पर खा रहा हो। जैसे कि एक बार पहले 2G घोटाला पकड़ा गया था, हो सकता है यहाँ पर 4G घोटाला आगे चल के पकड़ा जाए। तो दोस्तों यहाँ पर पहली वजह ये हो सकती है आपकी जो बैकग्राउंड में ऐप चलते हैं वो डेटा खा रहे हो, या तो कोई एक ऐसा ऐप हो जो आपके बैकग्राउंड में रन कर रहा हो और उसे बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए होता है और वही ऐप आपका डेटा कंज्यूम कर रहा हो। सबसे पहले अगर आप फ़ोन चला रहे हैं तो आप अपना डाटा सेवर लगा के चलाइए। डाटा सेवर से 2 फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज़, जो आपके बैकग्राउंड में ऐप रन करते हैं उनसे आपका डेटा बच जाता है, वो आपका डेटा कंज्यूम नहीं कर सकते जब आप अपना डाटा सेवर लगा लेते हैं। जब आपके जो बैकग्राउंड में ऐप्स होते हैं जब उन्हें डेटा नहीं मिलते और आप कोई ऐप खोलते हैं तो उसमें आपको बराबर से स्पीड आती है, क्योंकि जब बैकग्राउंड में आपका डेटा कंज्यूम कर रहे थे जब वो कंज्यूम नहीं करेंगे तो एक जगह स्पीड हो जाएगी और एक जगह जब स्पीड आएगी तो वो थोड़ी फास्ट आएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको दूसरी वजह बताता हूँ, दूसरी वजह क्या हो सकती है जिसकी वजह से आपका डेटा बहुत जल्दी कंज्यूम होता है। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं अपना डेटा ऑफ नहीं करते, जैसे अपना फ़ोन यूज़ करा डेटा ऑन है तो ऑन ही रहता है। ऐसा मेरे साथ भी कभी कभी होता है, मैं भी अपने डेटा को ऑन रख देता हूँ। जैसे किसी का मैसेज आना हो तो मैं अपना डेटा ऑन रख देता हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं अपना डेटा ऑफ करके अपना फ़ोन रखता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था बैकग्राउंड में जो आपके ऐप्स होते हैं जो रन करते हैं वो डेटा कंज्यूम करते हैं, और जब आप अपना डेटा सेवर मोड नहीं लगा रहे और आपका डेटा खुला हुआ है तो इससे ये होगा आपका जो डेटा होगा वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि जितनी अच्छी स्पीड आएगी उतनी जल्दी आपका जो डेटा है वो जियो कंज्यूम कर लेगा। और दोस्तों अब मैं आपको तीसरी वजह बता देता हूँ आपका डेटा क्यों जल्दी कंज्यूम होता है। जैसे कि आप लोग टिकटॉक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब में अपनी क्वालिटी को कंप्रेस कर लेते हैं 144p 240p और 360p पे आप अपनी वीडियो चलाते हैं, टिकटॉक में ऐसा नहीं होता। टिकटॉक में जिस क्वालिटी में वीडियो होती है उसी में आपको वो शो करता है, इसलिए आपका डेटा बहुत जल्दी आता है। वैसे आप टिकटॉक में भी डाटा सेवर का मोड आ गया है, अपनी सेटिंग में जाएंगे आपको डाटा सेवर मोड का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पर आप डाटा सेवर पे क्लिक करेंगे तो वो थोड़ी क्वालिटी कम करके दिखाएगा और आपका डेटा बचेगा। और दोस्तों मैं फोर्थ एंड लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं अपने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं करते, कभी कभी ऐसा होता है मुझे भी अनलॉक या क्रैक वर्जन से ही होता है, तो मैं अपने क्रोम को यूज़ करता हूँ। कभी कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जैसे कि वो अपना स्पाईवेयर डाल देती हैं, जितनी भी उनके विक्टिम की इंफॉर्मेशन है वो कंपनी वाले को पता लग जाती है। जैसे कि आप मान लें मैं आपको कोई ऐप दे रहा हूँ उसके अंदर स्पाई डाल के, तो आप उसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपकी फ़ोन की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो मुझे शो होती रहेगी। ऐसी कुछ वेबसाइट होती हैं जो करती हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन जाएगी तो जाहिर सी बात है आपका डेटा कंज्यूम हो गई, तो इस वजह से भी आपका डेटा कंज्यूम हो सकता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आपका डेटा रखे रखे बहुत जल्दी कंज्यूम हो रहा है तो सबसे पहले आप जाइए चेक करिए कौन सा ऐप आपका डेटा बहुत जल्दी कंज्यूम कर रहा है। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, और आपके फ़ोन में ऐसा कुछ है तो आप अपनी सेटिंग में जाइए और उस ऐप को ढूंढिए और जल्दी से आप उस ऐप को अपने फ़ोन से निकाल दीजिए, क्योंकि कुछ ऐप ऐसे होते हैं जिसे आप इंस्टॉल कर लेते हैं और आपके पूरे एंड्रॉयड वर्जन पे पूरे सब जगह आपको वो ऐड शो करता है, क्योंकि जब ऐड शो करेगा तो वो आपका डेटा लेगा और डेटा आपका बहुत जल्दी कंज्यूम होगा। तो आप उसी ऐप को भी निकाल के फेंक दिए जो आपका डेटा कंज्यूम कर रहा है। वैसे ऐसे जो ऐप होते हैं वो बिना लोगों के होते हैं, उनका कोई लोगो नहीं होता ना नाम होता है, वो एक बार इंस्टॉल हो जाते हैं और फिर आपकी स्क्रीन पर भी शो नहीं होते, फिर आप उन्हें सेटिंग से जाके ही निकाल सकते हैं। वैसे दोस्तों मैंने आपको पॉसिबल चीज़ें बता दी आपका किस वजह से डेटा कंज्यूम हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जो 2G को डाला हुआ था वो बहुत पहले हुआ था और वो बहुत पहले की बात है, हो सकता है ऐसा आगे कुछ होने वाला हो या तो ये कुछ कर रहे हो, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, पक्का नहीं कह सकते, अनुमान ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।